我整天半夜给心把一个给我打一下吧。这里来，走吧。ये है जी हमारे रेस्टोरेंट के ऑनर। तो आप एक दफ़ा बता दें इसका एड्रेस किस जगह पे आपका थोड़ा। ये जी कासो रोक्टर में लांगा शासा होटल डीवन पी एफ एफ डीवन नाइन कासो रोक्टर। आप एवरी संडे आ सकते हैं यहाँ पे। हम एल फोर बीस पी एफ ऑफिस यहाँ ऑफ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पूरी हलवा अच्छी मैंने अपनी जो तैयारी है ना वो फुल ऑन देसी की, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं कि जहाँ पे हम अपनी शलवार कमीज और अपने वो तरीके से तैयारी कर सकें। वरना तो ऐसे मेरे पास इतने ज्यादा कपड़े हैं दो दो तीन तीन साल पुराने जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मैंने अभी तक वो पहने ही नहीं, वो नए के नए पड़े हुए हैं। और सेम यही ड्रेस जो आप मुझे भी देख रहे हैं, ये भी मैंने पहली दफा ही पहना था और मुझे लग रहा था कि अपनी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी है तो सारा देसी माहौल है, तो क्यों ना कपड़े जो है ना वो भी इसी तरह के मैं पहनूं। अच्छा, खुशी का मौका था तो हम चाह रहे थे कि साथ कुछ स्वीट कुछ मीठा लेके जाएं, क्योंकि आज हम इनवाइटेड थे एक रेस्टोरेंट पे और उन्होंने माशाल्लाह से अपने रेस्टोरेंट की आज ओपनिंग की है। तो इस मौके आज था जी पहला दिन और इस मौके पे उन्होंने इनवाइट किया हुआ था अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। तो हम भी जो चीज़ें हम लेना जा रहे थे वो लेके तो सफ़र पे हो गए रवाना। हमारे घर से लेके वहाँ तक की जो टोटल ड्राइव थी ना वो थी 35 मिनट्स की थी, बिल्कुल भी दूर नहीं था। हमने डुइसबर्ग से जाना था और ये रेस्टोरेंट है बिल्कुल डॉर्टमंड के पास। डॉर्टमंड जाते हुए वहाँ से कोई हार्डली 5 मिनट लगते हैं। तो पार्किंग की जगह भी अच्छी खासी थी वहाँ पे। ये बड़ी सहूलत हो जाती है ना कि आप जब भी किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे आपको पार्किंग का एरिया मिल जाए ना, तो वो फिर सबसे बेस्ट हो जाता है। अभी आज पहला दिन था और ग्यारह बजे का टाइम था और हमें लग रहा था कि हम लेट हो चुके हैं, लेकिन नहीं, 20 मिनट हम लेट थे लेकिन फिर भी हम टाइम पे थे। और आप यकीन करें जैसे ही हम पास पहुंचे तो वो जो खुशबू थी ना वो बाहर ही आ रही थी हमारे अपने देसी खाने की, बहुत ही मजेदार सी। और फिर जब हम एंटर हुए तो इसका खाना देखा तो मेरे तो मुंह से वैसे ही पानी आ रहा था और बच्चे भी चाह रहे थे कि अभी बस खा लें। इसमें था चने थे, हलवा था, निहारी थी, पाए थे, सब इतना मजे का था। स्पेशली जो चने थे ना वो मैं कहती हूँ मैंने आज तक इतने मजेदार चने नहीं खाए। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर मुंह से पानी आ रहा है। और हलवा मुझे बहुत मजेदार लगा था, बहुत ही मजेदार। मैं चाह रही थी कि मैं अब भाई से किसी दिन रेसिपी पूछूंगी कि आप प्लीज मुझे अपने हलवे की रेसिपी बताएं। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उन्हें सबसे ज्यादा नान पसंद आए थे, कहते कि नान बहुत सॉफ्ट थे। दो हॉल थे, एक थोड़ा सा आगे जाके आ जाता है अगर आप फैमिली के साथ हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी रह जाता है बच्चों के साथ। वहाँ पे एक्स्ट्रा से एक फ्रीजर रखा हुआ था और ये बड़े बड़े फ्रीजर बाहर रखे हुए थे जो एंट्रेंस के सामने ही टेबल और चेयर्स पड़ी हुई थी। और ये कि जगह बहुत खुली थी, इन्वायरमेंट मुझे बहुत पसंद आया, ओवरऑल जगह अच्छी खासी थी अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं बच्चों के साथ जा रहे हैं तो। साथ ही साथ जी पूरियां गर्मा गर्म रेडी हो रही थी, साथ ही साथ ताजा नान आपको सर्व किए जा रहे थे, मीठी लस्सी थी, नमकीन लस्सी थी और मैंगो लस्सी थी। तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कि हमारी देसी चीजों से।
तो आप एक दफ़ा बता दें इसका एड्रेस, किस जगह पे आपका थोड़ा। ये जी कासू लोकल में लांगा शासा होटल डीवन पी अपन डीवन माइन कासू लोकल। आप एवरी संडे आ सकते हैं यहाँ पे, हम L4 20 PM यहाँ ऑफ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पूड़ी हलवा, चने, निहारी, पाए, मांगो लस्सी होती है और नॉर्मल लस्सी होती है। और चने आपके इतने मज़ेदार थे, बहुत ही यम्मी थे। हम कभी लाहौर से बिलोंग करते हैं, कोशिश ये है कि मैंने वही टेस्ट यहाँ पे भी। हाँ बिल्कुल, वो फील ही नहीं हो रहा था, मुझे लगता है अभी बाहर निकलेंगे ना तो लगेगा कि जैसे ये डॉर्चलैंड है। और वैसे ये डॉर्टमुंड के बिल्कुल पास ही है ना, जस्ट 5 किलोमीटर फॉरवर्ड। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि हमारी देसी नाश्ते में कुछ अगर ऐसी चीज जिसे हम मिस कर सकें, या फिर किसी चीज की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। और प्लस पॉइंट ये कि मैंगो लस्सी, जर्मनी की मैंगो लस्सी बहुत फेमस है, और जो जो लोग जर्मनी से होके गए हैं या जो यहाँ पे रह के गए हैं वो तो इस चीज से बखूबी वाकिफ है, बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं यहाँ की मैंगो लस्सी। और साथ ही साथ वो फ्रेश फ्रेश बना रहे थे, और मैं अभी आपके सामने अपने लिए ग्लास में डलवा के लाई। किसी भी जगह पे हम जाते हैं ना तो जो सबसे ज्यादा चीज हमें अट्रैक्ट करती है वो होती है सामने वाले का अखलाक। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये भी बात बनी हुई है कि डॉक्टर की तबीयत से ही, डॉक्टर के बात करने के तरीके से ही मरीज ज्यादा ठीक हो जाता है। सेम ऐसे कोई आप कारोबार बनाते हैं, कोई आपकी शॉप है, कुछ भी है, तो जो आपका 50% होता है ना वो आपका अखलाक होता है। उससे मुझे इनका अखलाक बहुत पसंद लगा, मतलब कि बहुत पसंद आया, और बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं। तो अगर आप भी फैमिली के साथ कहीं जाना चाह रहे हैं, ये देसी चीज़ें अपनी मिस करते हैं, तो आप काइंडली यहाँ पे ज़रूर जाएं। बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, फैमिली के साथ बंदा बहुत इंजॉय करता है। और माशाल्लाह से उस दिन भी हाउसफुल था, सारी अपनी फैमिली के लोग, मेहमान जिन जिन को उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके बिजनेस को ढेरों कामयाबियां दें और अल्लाह ताला अपनी बरकतें डालें। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते हों, आप लोगों ने टिकटॉक पे देखा हो, स्पेशली जो जर्मनी में रहते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा तो हैं ही नहीं यहाँ पे। और जो जितने कोई गिने चुने लोग हम हैं, तो वो हम कोई भी अगर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो वो सबसे पहले हमें खुद को ही सजेशंस में जा रही होती है, हम खुद ही एक दूसरे की देख रहे होते हैं। तो हो सकता है आप लोगों ने भी इन्हें देखा हो, क्योंकि टिकटॉक पे इनकी अच्छी खासी फैन। अच्छा, एक बात मुझे इतनी अजीब लगी कि अबराज नॉर्मली नहीं खाता ये इस तरह के, मतलब सालन उसको इतना ज़्यादा नहीं पसंद, नान वो खुश होकर खा लेते हैं, यहाँ पे भी उसने बड़ा खुश होकर खाया था, लेकिन उसने चने स्पेशल मंगवाए कि मैंने चने लेने, और चनों के साथ वो खाता रहा। तो वो मुझे एक चीज लगी, और मिराज इंतजार कर रहा था कि मैं निहारी लेनी है वो कब से, क्या फिर वो कह रहा था मैंने पाए खाने हैं। पाए किस तरह के होते हैं? पाए सिर्फ मैंने ही खाए थे, मुझे बहुत शौक है पाए खाने का, मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड मेरे नहीं खाते, उन्हें मतलब शोरबे वाली इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आती। तो मैं मिराज को कहती थी कि आपको पता है पाए होते क्या है, वो भी पूछ रहे थे अपने बाबा से कि वो क्या होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा ट्रिप, और बहुत अच्छा फील भी हुआ, स्पेशली बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। जावियार की थी थोड़ी तबीयत, वो जब गया था ना तो उसने थोड़ा सा तंग किया था, लेकिन फिर भी ओवरऑल टाइम जो है ना वो अच्छा रहा। और खाने के बाद फिर सब की गई लस्सी अपनी अपनी पसंद के मुताबिक, सब ले रहे थे, किसी को चाहिए थी नमकीन लस्सी तो किसी को चाहिए थी मीठी लस्सी, और फिर साथ में मैंगो लस्सी भी थी, तो सब जिसको जो अच्छा लग रहा था वो ले रहा था। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्वायरमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा, डेकोरेशन जिस तरीके से की हुई थी वो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि जब आप कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखें जो है ना वो मुतमिन होती हैं, आपकी आंखों से आप खाते हैं, आंखों से आप देखते हैं, तो जो वो एक लुक होती है ना, तो वहीं से वो चीज़ आपके दिल में उतर जाती है। और इस तरीके से अपने देसी खाने, अपनी कम्युनिटी के लोगों से वक्फे से मुलाकात होती रही ना, तो वो दिल को काफ़ी तसल्ली हो जाती है, तो वो थोड़ा सा आसरा हो जाता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला इन भाई के समेत जितने भी भाइयों ने नया कारोबार सेट किया, अल्लाह ताला सब में ढेरों 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 बरकतें डालें, आमीन।